हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। आज हम लोग बात कर रहे हैं इनवर्सिंग मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का, और ये लेक्चर नंबर 7 है। आपने पहले 6 देख लिए होंगे, और आज कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखिए इसमें नए नए तरीके क्या हो सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ इफ कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। ये होता है टू एक्स बाई वाई अपॉन ए बाई बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू अल्फा है। आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं सॉल्यूशन के लिए कि सॉल्यूशन कैसे होगा, राइट। देखिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये बात आप जानते हैं, है ना। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। सो व्हाट विल हैपन? कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इज इक्वल टू अल्फा दिया है, सो हम लगा देंगे दैट इज कॉस इनवर्स एक्स बाई ए वाई बाई बी माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, नाउ अब ये कॉस अल्फा जो है वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे बच गया एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस, दोनों प्रोडक्ट है तो एक ही रूप में लिखा जा सकता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब ये कॉस अल्फा इधर आके क्या हो गया? माइनस एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये निगेटिव वाला टर्म इस तरफ आके हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, नाउ अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। What will happen? अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट का ये टर्म्स हट जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ये पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएंगे? कैंसिल, है ना, कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो निगेटिव टर्म्स हैं दोनों, ये वाले टर्म, ये दोनों निगेटिव टर्म है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा इधर पहले से है, इधर में रह गया वन, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा इधर आके क्या हो गया? माइनस। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया? वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा, यही प्रूव करना था तो प्रूव हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को टेकल किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला सवाल है, सोल्व फॉर एक्स, टू टैन इनवर्स कॉस एक्स प्लस टैन इज इक्वल टू टैन इनवर्स टू कोसेक एक्स। टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स होता है टेन इनवर्स, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर,
तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाया जा सकता है। सो व्हाट विल हैपन, ये हो जाएगा 2 tan inverse cos x जो है इज इक्वल टू 10 inverse 2 cosec x है। सो आप लगा सकते हैं इसको 10 inverse 2x upon 1 minus cos square x इज इक्वल टू 10 inverse 2 cosec x। दोनों तरफ 10 inverse है, सो दैट कैन बी मैनेज्ड, मीन्स इट कैन बी रिमूव, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव फंक्शन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos x upon 1 minus cos square x square x, और यहाँ पे मिल जाएगा 2 cosec x। 2 से 2 कैंसिल, एक cos by sin क्या हो जाएगा, cot x, और एक sin इस cosec x के साथ मल्टीप्लाई हुई क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब x क्या हो गया π/4। यही होगा इसका सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन लिखना हो, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो आप लिख सकते हैं इसी तरह से, और भी वैल्यू हो सकती है, किसके इंटरवल में निकालना है ये नहीं दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू π/4, π/4, ऐसे ही और भी आते रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक सॉल्यूशन हमने निकाला। अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या π/4 पे सेटिस्फाई कर रहा है। π/4 करेंगे तो 1/√2 होता है, ये √2 हो जाएगा, ठीक है ना, π/4 पे ये 2√2 हो जाएगा, और यहाँ π/4 करेंगे तो ये हो जाएगा cos π/4 1/√2, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सेटिस्फाई जरूर करेगा, करके आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, tan inverse a minus b upon 1 plus ab, tan inverse b minus c upon 1 plus bc, tan inverse c minus a upon 1 plus ac is equal to 0। ये आपको प्रूफ करना है, ए बी सी तीनों पॉजिटिव है। तो दिस कैन बी रिटन एज, फॉर्मूला के हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं, tan inverse a minus tan inverse b, नो, इसको लिख सकते हैं tan inverse b minus tan inverse c, फॉर्मूला उसी का है। इसको लिख सकते हैं tan inverse c minus tan inverse a। अब देखिए ये LHS है ना, LHS को हम एक्सपेंड करके ऐसा लिख सकते हैं, ये tan inverse a पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, tan inverse b यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, tan inverse c यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, सब कट के क्या हो गया 0। तो ये इतना आसान सा सवाल था, इसको ऐसे ही करना है। ये मत सोचिए कि बहुत छोटा हो गया सॉल्यूशन, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को जब फॉर्मूला है तो उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको देख के फॉर्मूला एक आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ एक करेक्टर है अंडर रूट एक्स ये वाला, और एक करेक्टर है एक्स ये वाला, दोनों में थोड़ा सा हम ये कहें कि अंडर रूट एक्स को मान लिया साइन ए और x को मान लिया साइन बी, तो ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसके बदले x के बदले लिख दिया साइन बी, और इस 1 minus under root x के होल स्क्वायर इसको समझे, और उसके बदले हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, तो 1 minus sin square a, ठीक है। फिर माइनस इस रूट एक्स के बदले साइन ए, और इस एक्स के बदले हम लिख सकते हैं 1 minus sin square b, तो ये मिल गया साइन इनवर्स साइन बी, 1 minus sin square a cos square a दैट इज cos a माइनस साइन ए, और ये 1 minus sin square b दैट इज cos square b √12 के cos b। अब ये हो गया साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए, जरा ध्यान से देखें किसका फॉर्मूला है, ये है साइन बी माइनस ए, तो साइन इनवर्स साइन बी माइनस ए, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो ये मिल गया बी माइनस ए, और बी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, और ए को लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा देखते हैं। ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स ऐसा लिखा है, बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। अगर बी से इसको डिवाइड कर दिया जाए बी कॉस एक्स से तो क्या होगा, एल एच एस। बी कॉस एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा ए बाई बी, ठीक है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, माइनस बी कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स, है ना, बी से बी कट जाएगा। बी कॉस एक्स से डिवाइड करें तो यहाँ पे हो जाएगा वन, और यहाँ पे ए बाई बी साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स। क्या हम इसको टैन इनवर्स, अब ये फॉर्मूला हो गया ना, टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई के फॉर्म में, दैट कैन बी रिटन एज टैन इनवर्स ए बाई बी माइनस टैन इनवर्स टैन एक्स, ठीक है, सो दैट विल कम अप ए बाई बी माइनस एक्स, टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही हो गया आरएचएस। टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमने लगा दिया है यहाँ पे, आपको पता होगा ये फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो ये देख लीजिए कि टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई होता है टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। ये वाला चीज यहाँ पे दिया है, हमने ये वाला चीज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए देखिए, टैन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स वन बाई एक्स, इसको आप लिख सकते हैं कॉट कॉट ऑफ, व्हाट इज दैट, दैट कैन बी रिटन एज कॉट ऑफ टैन इनवर्स एक्स प्लस वन, टैन इनवर्स वन बाई एक्स इज कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, ये एक्स को अगर हम यहां पर मान लें कि इस एक्स को साइन ए तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉस टू ए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉस टू ए, या माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए इसमें से तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं माइनस कॉमन लेके टू एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये हो कॉट टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू, ये हो गया, और कॉट्स कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कॉट पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, जीरो प्लस पाई इज इक्वल टू पाई, ये प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट 1 by 2 cos inverse 3 by root 11। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं कि cos inverse जो भी ऐसा एंगल दिया हो उसको आप थीटा पुट कर लें, 3 by root 11 is equal to theta, so what will happen, ये हो जाएगा, या 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं ताकि इसके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2 theta is equal to 3 by root 11। अब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज, गिवन एक्सप्रेशन विल बी, एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, टैन, इसके बदले हमने पुट किया है 2 थीटा, तो ये हो जाएगा टैन ऑफ 1 by 2 और इसके बदले हमने पुट किया है 2 थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल होके हो गया टैन थीटा, tan थीटा को cos 2 थीटा हमारे पास है, हमें निकालना है tan थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, होता है ना, तो tan थीटा हमें निकालना है, राइट ना, ये हमें निकालना है, ये हमें पता करना है, तो हम लिख देंगे, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये लिख देंगे 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 बाई रूट 11,
ठीक है, दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हैं, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 बाई, यह हो जाएगा √11/3, दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा कंपोनेंटो डिविडेंडो इज इक्वल टू √11 + √3, ठीक है, अपॉन √11 - 3, √3 नहीं है, 3 है. सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस वन इज एक्चुअली पेन इज स्लो एंड माय राइटिंग इज फास्ट, सो लाइक दिस. सो टेन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, इसका अगर हम स्क्वायर रूट करें या स्लाइस करें तो हमें टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया √11 - 3 अपॉन √11 + 3. इसको स्लाइज कर दें √11 - √3 से, तो क्या मिलेगा, √11 - 3 से, तो ये हो जाएगा √11 - 3. इसका मतलब हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी 11 + 9 - 2 × 3, दैट इज 6 रूट 11. नीचे हो जाएगा 11 - 9, दैट इज 2. 11 + 9 इज 20. 20/2 इज 10. -3√11. ये आ गया tan theta. अब tan theta इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 3√11, दैट कैन बी रिटन एज आंसर. ठीक है ना, ये आंसर होगा, ये tan theta की वैल्यू निकल के आएगी. ठीक है, इसको इरेशनल रख सकते हैं. तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किया, और ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे. आपको बहुत सारा आइडिया मिल गया होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, और उम्मीद है कि जो सीबीएसई लेवल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उतने क्वेश्चंस आप टिकल कर पाएंगे और बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे. फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन हमें भेजें, हम आपको सॉल्यूशन जरूर मुहैया कराएंगे. किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे arvindsinghacademy@gmail.com पे मेल कर सकते हैं क्वेश्चन को लिख के, या पीडीएफ जो भी फॉर्म में हो आप भेज दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर आपको मेल करके भेजेंगे, या ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो हम उसकी वीडियो बना के लाइव आपको बताएंगे. ठीक है ना, सो टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग, और अपने फ्रेंड सबको भी शेयर करें और आनंद लें. अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है. अगले दिन से जब अब सेगमेंट शुरू होगा तो जेई के लिए शुरू होगा, सीबीएसई के लिए इतना ही जरूरी है. अब जो आगे की वीडियोज होंगी वो जेई मेन को ध्यान में रख के पहले बनाया जाएगा, और कुछ जेई मेन की क्लासेज होंगी, उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, और उसके बाद एक लेवल खत्म होने के बाद जिसको लेवल 2 कह सकते हैं, फिर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, एक्सक्लूसिव वीडियो होंगे जो जेई एडवांस के लिए होंगे, और उसमें प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी, सिर्फ डिफिकल्ट प्रॉब्लम डिस्कस होगी, उसको सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा, एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, और कैसे प्रॉब्लम को टैकल करते हैं ये सॉल्व करने के लिए बताया जाएगा. तो ये सीरीज अभी लंबी चलने वाली है, फिलहाल इसको विराम देते हैं इसमें कि सीबीएसई के लिए जो जरूरी जानकारी थी वो दे दी गई है, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, वीडियो को बार बार देखें, और तब ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट सारे याद हो जाएं, और फिर आप क्वेश्चन खुद भी करें, कहीं पर कोई दिक्कत हो जरूर बताएं. Till then, bye bye, God bless.